की एक और बड़ी खबर की, नर्मदापुरम संभाग की बैठक से लौटते समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर पहुंचे और बुधनी में वो कुछ देर रुके और बुधनी विधानसभा क्षेत्र के कोरोना हालातों की उन्होंने समीक्षा की। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे यहां पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी पहुंचे और ये देखिए तस्वीरें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी में रुके कुछ देर और उन्होंने वहां पर कोरोना के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके चर्चा की, उसके बारे में जानकारी ली जनप्रतिनिधियों से, अफसरों से। आपको बताएं कि नर्मदापुरम संभाग में कोरोना हालातों का जायजा लेने के बाद वो भोपाल लौट रहे थे, लेकिन उससे पहले वो कुछ देर के लिए बुधनी में रुक गए। तो होशंगाबाद से लौटते समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बुधनी भी पहुंचे हैं और जो संकेत मिल रहे हैं वो ये हैं कि 1 जून से अब नर्मदापुरम संभाग भी अनलॉक शुरू होना हो सकता है। बैतूल और हरदा में 31 मई तक कर्फ्यू जारी रखें, ये बात कही सीएम शिवराज ने। बिना वजह घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, साथ ही उन्होंने कहा कि तीनों जिले में टेस्टिंग जारी रखें, कोई टारगेट नहीं, 1 सप्ताह और कर्फ्यू लगा रहेगा, किल कोरोना अभियान जारी रखें। वहीं होशंगाबाद सांसद की मांग पर सीएम ने होशंगाबाद और इटारसी में बच्चों के लिए कोविड सेंटर बनाने के अफसरों को निर्देश दिए। और इस खबर पर हमारे साथ एसोसिएट एडिटर गीत दीक्षित जी जुड़ गए हैं। तो गीत जी, नर्मदापुरम संभाग से लौटते समय बुधनी भी रुके कुछ देर के लिए सीएम? जी बिल्कुल दीपेश, नर्मदापुरम संभाग की समीक्षा बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री जब हेलीपैड पर जा रहे थे उसके पहले उनको बुधनी, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र भी है उस लिहाज से वहाँ संक्रमण की स्थिति क्या है और क्या अस्पतालों के हालचाल हैं और मरीजों की संख्या क्या है और ब्लैक फंगस को लेकर क्या तैयारियां, उसको लेकर तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई। लेकिन उसके पहले जो उन्होंने कोविड केयर सेंटर का एक तरह से निरीक्षण किया और वहाँ क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं वो सारी पूरी तैयारियों को लेकर वहाँ समझा। और सबसे बड़ी बात है कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र में संक्रमण की दर जिस तरह से कम दिखी उसके बाद उन्होंने उसको टेस्टिंग को बढ़ाए जाने की वहाँ अफसरों को एक तरह से निर्देश दिए और ये समझाइश दी है कि लॉकडाउन में इस बात का ध्यान, कोरोना कर्फ्यू के दौरान ये ध्यान दिया जाए कि किसी भी तरह की हिला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसका सख्ती से पालन कराया जाए और किया जाए। दीपेश चलिए, शुक्रिया गीत जी इस पूरी जानकारी के लिए।